हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज, जहां आपका होता है फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। रोहित शेट्टी मुश्किल दौर में अजय देवगन ने दिया था साथ। यहां आपको ये बता दें कि रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 जल्द ही शुरू होने वाला है। खतरनाक स्टंट और एक्शन फिल्मों में लिए के लिए मशहूर जो रोहित शेट्टी हैं, वो इस शो में कंटेस्टेंट को खतरनाक स्टंट देते हुए नजर आएंगे। रोहित शेट्टी को एक्शन और कॉमेडी का एक साथ पर्दे पर दिखाने के लिए जाना जाता है। अजय देवगन के साथ उनकी एक्शन युक्त कॉमेडी फिल्मों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज उनकी हर फिल्म करोड़ों की कमाई करती है, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। पैसे बचाने के लिए उन्हें घंटों पैदल चलना पड़ता था। जी हाँ, दरअसल रोहित शेट्टी के पिता MB शेट्टी फेमस स्टंटमैन थे। रोहित शेट्टी जब छोटे थे तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। इसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसों की ऐसी तंगी हो गई कि उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर चलाने के लिए उनकी मां ने भी काम किया। पैसों की कमी के कारण रोहित शेट्टी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। बता दें कि अजय देवगन के फिल्म सुहाग में रोहित शेट्टी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद वे अजय की कई सारी फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। साथ ही साथ कई फिल्में करने के कारण अजय देवगन और रोहित शेट्टी में दोस्ती हो गई। इसी कारण से रोहित ने फैसला कर लिया कि अपने डायरेक्शन की पहली फिल्म वे अजय देवगन के साथ बनाएंगे। उन्होंने अजय देवगन के साथ जमीन नाम से पहली फिल्म बनाई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद रोहित को डायरेक्शन का काम नहीं मिल रहा था। कोई उनसे डायरेक्शन कराने का चांस लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में अजय देवगन ने रोहित शेट्टी का साथ दिया। 2006 में रोहित शेट्टी ने अजय के साथ मिलकर गोलमाल द फन अनलिमिटेड बनाई, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इसके बाद तो दोनों में साथ ही साथ बहुत सारी फिल्में ऐसी इन दोनों ने साथ में की, जो कि 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सफल डायरेक्टर तौर पर स्थापित हो गए। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, गोलमाल सीरीज की चारों सीरीज और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्में हिट रही। ऐसे में बॉलीवुड के ये दोनों स्टार्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।